गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग आगे के चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा एक तरीके से इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आज जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो बहुत मतलब छोटा सा टॉपिक बच गया ये, तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड टॉपिक है हमारा इलिटरेसी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कैन बी सक्सेसफुल इफ द सिटीजन्स आर लिटरेट एंड एजुकेटेड, ठीक है। तो डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है बोल रहा है जब वहाँ के किसी भी देश में अगर कोई डेमोक्रेसी है तो वहाँ के नागरिक कैसे होने चाहिए, लिटरेट होने चाहिए और एजुकेटेड होने चाहिए, मतलब पढ़े लिखे होना चाहिए, ठीक है, या शिक्षित होना चाहिए बोल सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन इंडिया वॉज 73%, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है, या फिर आपके एक तरीके से जीके के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो भारत में जो लिटरेसी रेट है मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कितने हैं, 73% है, ठीक है। वेयर एज वुमेन लिटरेसी वॉज ओनली 64.6%, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, जो साक्षरता दर है वो कितना है, 64.6%, ठीक है। ऑल दो बोथ मैन एंड वुमेन एन्जॉय इक्वल राइट्स, ठीक है, मतलब इंडिया में क्या होता है कि महिला और पुरुष दोनों को जो है इक्वल अधिकार जो है वो दिया गया है। लैक ऑफ एजुकेशन पोज मैनी प्रॉब्लम्स इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और हम ये देखेंगे कि अगर जहाँ मतलब एजुकेशन की कमी है तो वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी मतलब एक तरीके से सक्सेसफुली नहीं चलाई जा सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर एजुकेशन की कमी है तो वहाँ डेमोक्रेसी भी जो है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है। ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन द सिटीजन्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, ठीक है, और एजुकेशन की कमी के कारण जो है जो सिटीजन्स है जो नागरिक है वो जो है एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्शन वगैरह में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि कई लोगों को जो है मतलब जो मतलब ये डिसीज़न लेने लायक जो है वो नहीं रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्शन में ज़्यादातर जो है वो अपना जो पार्ट है मतलब नहीं ले पाते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आधे तो लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है, कि उन्होंने जो है मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आधे जो है वो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उस कारण से क्या हो रहा है कि एक कम्युनिटी जो है वो अपना मेजोरिटी के तौर पर जो है किसी को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी में जो है एक तरीके से ये इलिटरेसी भी क्या हो गई, बहुत बड़ी समस्या बन करके हमको दिखाई देती है। एंड एफिशिएंटली इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एंड दिस हैपेंस द प्रोग्रेस हैम्पर्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये जो है इलिटरेसी क्या करती है, एक तरीके से फिर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी देश में उसको क्या कर देती है, रोक देती है, रुकावट के तौर पर हमको ये देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट है सोशल लेवल्स। तो इंडियन सोसाइटी इज़ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, अगर हम देखें तो इंडियन सोसाइटी कैसी है, बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी है, मतलब ट्रेडिशनल मतलब पूर्वजों से चलते हुए आ रही जो है एक परंपरा जो है, ठीक है, उसको जो है वो इंडिया में फॉलो किया जाता है। द पीपल डू नॉट फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व, जो लोग हैं वो फ्रीली जो है अपनी मनमर्जी एक तरीके से नहीं कर पाते। अगर हम देखा जाए तो राइट टू इक्वलिटी का या राइट टू लिबर्टी का जो है अधिकार तो दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को, लेकिन फिर भी हम देखें क्या होता है कि फ्रीली जो है वो अपने आप को कोई भी पर्सन जो है यहाँ इंडिया में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है बोल रहा हूँ, ठीक है। देमसेल्व्स फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इज़ अ प्री रिक्विसाइट इन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो जो फ्री एक्सप्रेशन है, ठीक है, आइडियाज़ का वो क्या है, प्री रिक्विसाइट है डेमोक्रेसी में, मतलब डेमोक्रेसी में ये अधिकार है कि लोग जो है वो अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी विचारधारा को रख सकते हैं, अपने विचारों को जो है लोगों के सामने रख सकते हैं। इवन टूडे सोशल लेवल्स लाइक अनटचेबिलिटी, आज के समय भी अगर हम देखें तो जैसे सोशल लेवल्स जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हो गया, फीलिंग्स ऑफ कास्ट सुप्रीमेसी हो गया, सुपरस्टिशन हो गया, ये सब क्या है, प्रीवेलेंट है सोसाइटी में। दिस सोशल लेवल्स डू नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ठीक है। और ये जो है ये सोशल लेवल, ये जो सोशल लेवल्स है मतलब एक तरीके से सामाजिक बुराइयाँ ही हो गई है, ठीक है। अनटचेबिलिटी आज भी जो है वो पूर्वजों से चलते हुए आ रही थी, लोग आज भी जो है जगह जगह पर क्या करते हैं, अनटचेबिलिटी जो है उसको फॉलो करते हैं, अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, ठीक है। तो ये आपको जो है वो हर जगह जो है वो देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जो है ये अभी भी प्रेजेंट है, जबकि हमारा जो इंडिया है वो एक तरीके से कितना आगे बढ़ चुका है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, कहीं पर अभी भी जो है महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव जो है वो किया जाता है, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ कास्ट सुप्रीमेसी मतलब जो लोग हैं वो अपनी कास्ट की क्या करते हैं, एक तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी कास्ट क्या है, सुप्रीम है, ठीक है, हमारी कास्ट क्या है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है।
सुपरस्टिशन एटसेट्रा आर प्रिविलेंट इन द सोसाइटी, ठीक है, मतलब जो पूर्वजों से चलती हुई जो भी मतलब एक तरीके से जो गलत धारणाएं हैं, ठीक है, वो भी अभी भी जो है वो सोसाइटी में क्या आ रही है, चलते जा रही है। तो दीज सोशल लेवल्स डू नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बिकम अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। तो ये जो सामाजिक बुराई है वो क्या कर रही है कि ये हमारे जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी को क्या कर रही है, एक तरीके से हमारे सिस्टम का एक हिस्सा जो पूरी तरीके से बनने नहीं दे पा रहा है, ठीक है, या डेमोक्रेसी जो है, लोग जो है डेमोक्रेसी का असली मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये वो बोल रहा है। फिफ्थ क्या है, रोल ऑफ मीडिया। इन डेमोक्रेसी मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो मीडिया को क्या बोला जाता है, फोर्थ पिलर बोला जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है। बाकी तीन पिलर्स किस किस को बोले जाते हैं, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन पिलर्स हैं, और फोर्थ पिलर किसको बोला जाता है, मीडिया को। तो मीडिया जो है वो क्या करती है, डेमोक्रेसी में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से ही जो है हमको क्या होता है, मतलब लोग जो है वो अपनी विचारधाराएं जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है आइडियाज़ का वो क्या होता है, मीडिया के थ्रू ही होता है। तो प्रेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बट टुडे टेलीविजन एंड इंटरनेट हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रेस जो है वो एक तरीके से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन टीवी और इंटरनेट के समय में जो है, मतलब टीवी और इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये जो टीवी और इंटरनेट है वो क्या हो रहा है एक तरीके से कि फालतू फालतू की जो न्यूज़ेस है वो दिखाते हैं, ठीक है, जो काम की जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखा रहे। तो मीडिया इन्फ्लुएंसेस द माइंड्स ऑफ द पीपल, सो ऑल्सो इट अफेक्ट्स द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मीडिया जो है वो क्या करती है, लोगों के दिमाग के साथ क्या करती है, लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करती है, और ये जो है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैज़ बीन गिवन टू पीपल बाय अ लॉ इन दिस रेस्पेक्ट। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI जो है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या किया जाता है कि दिया जा रहा है, ठीक है, लोगों को एज अ लॉ, ठीक है। मतलब RTI जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, गवर्नमेंट ने क्या करी है, एक एक्ट बनाई है जिसके तहत क्या कर सकते हो आप, किसी भी चीज़ का जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये RTI के तहत जो है लोग फिर भी क्या है, फिर भी अवेयर नहीं है, ठीक है। द मीडिया कीप्स द पीपल इन्फॉर्म्ड सो एज टू दैट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर देम एंड इन व्हाट मैनर, ठीक है। मीडिया जो है, मीडिया का असली काम क्या है कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है ये बताना, ठीक है। गवर्नमेंट उनके लिए नई नई कौन कौन सी पॉलिसीज ला रही है और उस पॉलिसी में उनको कितना मतलब सक्सेस हुई है वो पॉलिसी, तो ये बताना। पर गवर्नमेंट जो है, ये मीडिया जो है आज के समय वैसा नहीं कर रही है। मीडिया एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है। जो मीडिया है वो एक तरीके से क्या कर रही है, एक लिंक जो है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक जो है, लिंक के तौर पर काम करती है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स मैनी वेलफेयर स्कीम्स एंड प्लान्स फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जो है और जो प्लान्स है लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। देयर प्रोपेगेंडा एंड पब्लिसिटी इज डन बाय द मीडिया ओनली ऑन प्रोफेशनल बेसिस। और उनका जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है, एक तरीके से मीडिया में आजकल जो है क्या होता है, सिर्फ पब्लिसिटी जो है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट्स या जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्या करती है मीडिया में आजकल सिर्फ अपना पब्लिसिटी करती है कि हमने इतना काम करे, इतना ये स्कीम्स लॉन्च करे, ठीक है। तो सिर्फ ये एक तरीके से सिर्फ आजकल आज के समय क्या हो गया कि एक पब्लिसिटी के तौर पर बस वो हमको दिखाई देता है। गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कितने काम कर रही है वो सब, उसके ऊपर कोई जो है विचार नहीं हो पा रहा है, बस क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। एंड नॉट पब्लिशिंग गवर्नमेंट स्कीम्स एंड देयर अचीवमेंट्स बाय अज्यूमिंग अ पॉजिटिव रोल, ठीक है। तो एक पॉजिटिव रोल के तौर पर जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो उसको जो है पब्लिसाइज नहीं कर रही। पब्लिसाइज मतलब लोगों के बीच में जो है, जनता के बीच में जो है गवर्नमेंट स्कीम्स से कितना क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कीम ने कितना क्या अचीवमेंट करी है, तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही है। वेयर एज द मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग पब्लिक ओपिनियन एंड गिविंग इट प्रॉपर डायरेक्शन। तो हम ये देखेंगे कि मीडिया जो है, मीडिया के पास बहुत मतलब अच्छी पावर है कि वो क्या कर सकती है, लोगों को जो है उनके अधिकार के बारे में जो है वो बता सकती है, ठीक है, या अपना जो है एक खुद का ओपिनियन जो है वो पब्लिक के बीच में क्या कर सकती, रख सकती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट या मीडिया जो है वो अगर अच्छे से अभी भी काम करे तो मीडिया जो है वो अच्छा काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ पब्लिश करे, गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो पब्लिश करे, गवर्नमेंट की कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उनकी भी आलोचना कर सकती है, ठीक है। अगर कोई अच्छी पॉलिसी आई है तो उसकी तारीफ भी कर सकती है, तो ये मीडिया अभी भी कर सकती है, बोल रहे हैं।
अब ये जो है ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मीजर्स टू रिमूव बॉटलनेक्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब ये जो है ये चीज़ों को, ये प्रॉब्लम्स को कैसे हम जो है डेमोक्रेसी में से निकाल सकते हैं बोल रहे हैं। तो इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैव बीन क्लियरली डिफाइंड। तो उसमें क्या किया गया है कि जो स्टेट पॉलिसी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब उसका जो उद्देश्य है, वो वहाँ पर हमको क्लियरली जो है वो देखने को मिलता है। कहाँ पर? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के प्रियम्बल में, ठीक है। तो दिस ऑब्जेक्टिव्स आर डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, रिपब्लिक मतलब, रिपब्लिक मतलब ये होता है कि क्या होता है कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र मतलब यहाँ का जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा? परमानेंट नहीं होगा, ठीक है, या हिराचिकली नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है। इक्वेलिटी हमको देखने को मिलती है, लिबर्टी जो है लिबर्टी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिटीजन्स को के रिगार्डिंग जो है वो संविधान की प्रस्तावना में की गई है। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात की है। जस्टिस तीन टाइप के जो है, तीन टाइप के न्याय जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर कायमी बात की गई है, प्रियम्बल में बात की है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है न्याय की वहाँ बात की गई है। डिग्निटी ऑफ द पीपल, ठीक है, जो लोग हैं उनकी डिग्निटी के बारे में बात की है। एंड प्रोटेक्टिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल, और जो लोग हैं उनकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल आर मेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। और स्वतंत्रता के बाद हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है या जो प्रशासन है वो क्या कर रहे हैं, वो कंस्टेंटली जो है ये एफर्ट लगा रहा है कि वो ये ऑब्जेक्टिव के ये जो उद्देश्य है उनको क्या कर सके, अचीव कर सके। बट सर्टेन फैक्टर्स आर कमिंग इन द वे ऑफ अचीविंग द अबव ऑब्जेक्टिव, लेकिन बहुत सारी जो है मुश्किलों का सामना भी जो है वो गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ता है इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। फॉर रिमूविंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर हमको पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव करना है तो सोशल अवेयरनेस इज ऑल्सो नेसेसरी बिसाइड्स गवर्नमेंट एफर्ट्स, ठीक है। तो सोशल अवेयरनेस भी क्या है, बहुत जरूरी है गवर्नमेंट एफर्ट्स के अलावा। इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी टुगेदर कुड शुड कम फॉरवर्ड टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। मतलब जैसे कि अब कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो रही है तो वहाँ पर लोगों का भी ये जो है ये मतलब एक होना चाहिए अंदर से जो है, लोगों के अंदर में ये होना चाहिए कि हम जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का या जो स्कीम्स का क्या कर सके, बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी क्या होगा कि थोड़ी सी जो है ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो अपने काम में सक्सेस होगी, ठीक है, सक्सेसफुल होगी। वोकेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स नीड टू बी गिवन अ बूस्ट। जो वोकेशनल एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है उनको भी क्या करना चाहिए, एक बढ़ावा जो है वो दिया जाना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस इज नेसेसरी फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एक पब्लिक अवेयरनेस भी जो है वो जरूरी है एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। कास्टिज्म और कास्ट फीलिंग्स, रीजनल फीलिंग्स, लिंग्विस्टिक इशूज, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द मेंटल मेकअप ऑफ द पीपल। और ये सारी चीज़ें जो कास्टिज्म हो गया, कास्ट फीलिंग्स हो गया, रीजनल फीलिंग्स हो गया, लिंग्विस्टिक इश्यूज हो गए, ठीक है, तो ये सबको क्या करना चाहिए, एक तरीके से लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। एक नेशनल फीलिंग जो है उनके दिमाग में होना चाहिए, एक राष्ट्र को लेकर के एक हिंदुस्तान जो है बस दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है, या इधर की लैंग्वेज, उधर की लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के बेसिस पर जो भेदभाव नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं। देर इज़ नेड टू टेक स्टेप्स टू एंश्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ। और मतलब यहाँ पर जो है बहुत सारी लोगों को स्टेप लेना चाहिए कि जो लोग हैं वो क्या कर सके, लॉ को फॉलो कर सके। द इलेक्शन सिस्टम ऑल्सो नीड्स इम्प्रूवमेंट, और जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें भी क्या होना चाहिए, एक इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलना चाहिए। देयरफॉर स्टेप्स टू इम्प्रूव द सिस्टम आर ऑल्सो नेसेसरी, इसलिए जो स्टेप्स है वो सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी दैट करप्शन इज इरेडिकेटेड एंड क्राइम्स आर कंट्रोल्ड। डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो ये जरूरी है कि जो करप्शन है वो क्या होना चाहिए, इरेडिकेट होना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, और जो क्राइम्स है वो कैसे होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए। द कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड इमिडिएटली, जो गुनाहगार है उसको तुरंत जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। फॉर दिस देयर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म द जुडिशियल सिस्टम, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी न्याय प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड ऑल्सो बी रिड्यूस बाय मेकिंग अ लॉ इन दिस रेस्पेक्ट। जो नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ की संख्या भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है।
कुछ उसके रिगार्डिंग भी, उसके रेस्पेक्ट में भी क्या करना पड़ेगा, हमको लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग ऑफ मॉरेलिटी एंड मॉरल वैल्यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स ऑन अवर बेसिस। न्यू लॉज आर नीडेड टू इम्प्रूव पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, नए नए लॉज जो है वो उसकी ज़रूरत है पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। देयर इज़ अ नीड टू मेक लॉज एंड फॉर्मुलेट गाइडलाइंस फॉर द मीडिया, ठीक है। तो एक जो है यहाँ पर आवश्यकता है लॉज बनाने की और जो गाइडलाइन है मीडिया के, मीडिया को फॉर्मुलेट करने के लिए। पीपल ऑफ इंडिया बिलीव इन द सुपर नेचुरल पावर, ठीक है, जो लोग हैं इंडिया के वो किसके ऊपर बिलीव करते हैं, किसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो एक सुपर नेचुरल पावर के ऊपर, वन गॉड के ऊपर। बट दे आर जनरली नॉट कम्युनल, ठीक है, पर ये जो है जनरली क्या होते हैं, कम्युनल नहीं होते। देयर फॉर एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड पीपल शुड सेव पीपल फ्रॉम कम्युनल फीलिंग्स, इसलिए जो एजुकेटेड और एनलाइटेंड पीपल है उनको क्या करना चाहिए, लोगों को बचा के रखना चाहिए कम्युनल फीलिंग से। इट इज़ हाई टाइम पीपल अंडरस्टैंड दैट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ओनली डिवाइड्स द पीपल, और ये अब सही समय है कि लोगों को ये जान लेना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो क्या करती है, लोगों को डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इस चैप्टर में देखे कि क्या क्या डेमोक्रेसी के बीच में जो है वो प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कम्प्लीट हो गया है, थैंक यू।